ये प्रोडक्ट ही डॉक्टर है, यहाँ हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इम्यूनोडॉक इम्यूनिटी का रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें जो जड़ी बूटी डली है वो करता क्या है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको निकाल के बाहर कर देता है। जो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं एलोपैथी में, सर से या किसी मेडिकल स्टोर पे जाके आप बोलेंगे कि भाई साहब कोई एक ऐसा दवा दो जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है उसको निकाल दे, वहाँ से जवाब मिलेगा जो नहीं है। क्या गलत तो नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? क्योंकि एलोपैथ में कोई ऐसी दवाएं अभी तक नहीं है जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन को निकाल के बाहर करते। अब खास तौर से जो कैंसर को भी पैदा करता है, ऐसे ऐसे केमिकल जो हमारे बॉडी में रुक जाते हैं इकट्ठा होकर कैंसर को पैदा करता है। हमारा इम्यूनोडॉक का अगर आप लगातार 3 से 4 बोतल सेवन कर लेते हो तो 1.25 साल तक आपको कैंसर नहीं होगा। मैं चाहूँगा जोरदार तालियाँ हो। इम्यूनोडॉक और क्या काम करता है, सर्दी खांसी जुखाम बुखार सब में काम आता है। अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है वो इसको पीने से ठीक हो जाता है, चाहे वो इनहेलर ही क्यों ना लेता हो, जो पंप लेता हो उसको वो भी ठीक हो जाएगा इम्यूनोडॉक का सेवन करने से। तालियां तो बनती है सर। दूसरा है डायगोडॉक। डायगोडॉक डायबिटीज के लिए है, चाहे वो type 1 हो या type 2 हो, ये दोनों पे काम करता है। बहुत ऐसे पेशेंट आपको मिल जाएंगे जो कहता है जो अब तो इंसुलिन पे है, इस पर अंग्रेजी दवा भी काम नहीं करती। ऐसे पेशेंट को भी अगर हम डायगोडॉक देते हैं तो डायबिटीज उसका कंट्रोल हो जाता है, इंसुलिन भी बंद हो जाता है। डायबिटीज क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, और लाइफ स्टाइल डिजीज ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा अंग्रेजी दवा खाने से तो ठीक नहीं होता है, आयुर्वेदिक से ठीक हो जाएगा क्या? अरे वजह तो कोई ना कोई होगी, वजह होगी जभी तो उन्हें डायबिटीज हुआ, बिना वजह का हो सकता है क्या? या तो उसने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किया होगा, कोई ना कोई कमी तो होगी जभी तो डायबिटीज हुआ। अब है क्या जो डायगोडॉक का सेवन करो, डायबिटीज पेशेंट को होता क्या है, जो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है ना, और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए अंग्रेजी दवा का लोग सेवन करते हैं। अंग्रेजी दवा खाना खाने से पहले डॉक्टर का कहना है, जो आप अंग्रेजी दवा लो तो जब खाना खाने के 5 मिनट या 10 मिनट पहले, 2 घंटा पहले क्यों नहीं अंग्रेजी दवा दिया जाता है? क्योंकि वो जो अंग्रेजी दवा है उसका काम होता है जो ब्लड शुगर जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज को इंजाइम में कन्वर्ट करता है। अब ब्लड इसको इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को इंजाइम में कन्वर्ट करना। अब उसका बॉडी उतना प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन बना नहीं रहा है, तो अंग्रेजी दवा सिर्फ बढ़े हुए ग्लूकोज को इंजाइम में कन्वर्ट करता है। अब है क्या जी, जो काम बीमारी के जड़ पे काम करेगा तभी तो बीमारी जड़ से ठीक होगी। ये तो हमने एक चीज़ है जो हमने खाना खाया, और खाना खाने से पहले जितना मैं खाना खाऊंगा उतना ही दवा इधर से दिया, जित ब्लड ग्लूकोज बना उसको इंजाइम में कन्वर्ट कर दिया, तो बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा डायगोडॉक का सेवन करने से बीमारी को जड़ से ठीक करता है, क्योंकि ये करता क्या है, जो इंसुलिन बनाने में हमारे बॉडी को मदद करता है, पेनक्रियाज को रीजनरेट करने में काम करता है। जब इंसान का पेनक्रियाज रीजनरेट हो जाएगा तो उसे अंग्रेजी दवा की जरूरत होगी क्या? लेकिन एक दिन में नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं तो अंग्रेजी दवा को बंद कर देता हूँ और डायगोडॉक आपका इस्तेमाल करता हूँ ना, अब अंग्रेजी दवा को बंद अभी नहीं करना, क्योंकि आपका शुगर लेवल कितना बढ़ा हुआ है मुझे क्या पता। अब जिस दिन आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हुआ था अगर उस दिन से डायगोडॉक लिए होते तब तो जरूरत नहीं होती छोड़ने की। लेकिन आपको डायगोडॉक के साथ साथ आपको अंग्रेजी दवा का सेवन करना होगा। धीरे धीरे जब आपका डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, जब हम अंग्रेजी दवा धीरे धीरे कम करेंगे और धीरे धीरे कम करके बंद कर देंगे और डायबिटीज आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, डायगोडॉक पे जब आप आ जाओगे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आ जाएगी जो
जो ऊर्जा डायबिटीज होने से पहले आपके पास थी ताकत, वो ताकत आ जाएगी। कोई व्यक्ति लगातार इसको 3 से 6 महीना अगर सेवन कर लेता है, उसका डायबिटीज पूरी तरह से नॉर्मल होने लग जाता है, शरीर में पूरी ताकत आ जाती है। ये अद्भुत प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो व्यक्ति डायबिटिक है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसका प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक ज्वाइंट से परेशान व्यक्तियों के लिए है, ज्वाइंट पेन से बहुत सारे लोग परेशान हैं, घुटने में दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, गठिया सबसे परेशान है ना, उन लोगों के लिए है ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक का सेवन जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, जॉइंट पेन वाले पेशेंट अगर करते हैं, तो होता क्या है, एक हफ्ते में उसका दर्द बढ़ जाता है। आप लोग शुद्ध हो गए पूरी तरह से। उसका दर्द बढ़ जाता है, बढ़ने का कारण होता है बीमारी ठीक होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं उस ज्वाइंट के बीच में झिल्ली होती है, और झिल्ली हड्डी से चिपकने के कारण मूवमेंट करने पे दर्द होता है। दर्द कब होता है, जब हमारा जो जितने भी ज्वाइंट है उस ज्वाइंट के बीच में मोबिलिटी खत्म हो जाती है, चिकनाई खत्म हो जाती है, बहुत भाषा में कहा जाता है फ्लूट खत्म हो जाता है, तो चिपक जाता है, जिसके कारण मूवमेंट करने पे दर्द होता है। बहुत सारे पेशेंट को चर चर की आवाज़ होती है, बहुत सारे पेशेंट को खट खट चलने पे ज्वाइंट में खट खट की आवाज़ होती है, उसका कारण है जो मोबिलिटी खत्म हो रही है। और ये जो ऑर्थोडॉक है ये क्या करता है, लिगामेंट और लुब्रिकेटिंग बनाने का काम करता है। जैसे ही इसका सेवन आप करते हैं एक हफ्ता, आपका दर्द बढ़ जाता है। दर्द बढ़ने का मतलब है दवा अपना काम करना शुरू कर दिया। अब दर्द बढ़ जाए तो उसका निवारण तो होना चाहिए ना, इसीलिए दर्द को ख़त्म करने के लिए जॉइंट करेक्टर ऑयल कंपनी ने बनाया, जो उसका आप अगर उस ऑयल को आप मसाज करोगे जहाँ दर्द है, तो दर्द से राहत मिल जाता है। तालियां तो बनती है। गाइनाडॉक गैनिस प्रॉब्लम के लिए है, ऑल टाइप ऑफ गैनिस प्रॉब्लम। गैनिस प्रॉब्लम के नाम पे हम लोग घबरा जाते हैं, है ना, जो आप गैनिस डॉक्टर के पास जाना होगा, इस समस्याएं का अब क्या निवारण बताएगी, वही बताएगी ना, आप घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इसका कौन कौन सी बीमारियों में ये काम आता है, मासिक धर्म में अनियमितता हो, ब्लीडिंग ज़्यादा आता हो, कम आता हो, लिकोरिया हो, बच्चेदानी में गांठ हो, या किसी को बच्चा नहीं होता हो, सब में काम आता है। एक अकेला गैनाडॉक पहले बोतल से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, लिकोरिया में भी पहले बोतल से रिजल्ट है, यानी आप घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह का अगर गैनिस प्रॉब्लम परिवार में है, गैनाडॉक दे दीजिए। और ऐसा ही नहीं है जो सिर्फ प्रॉब्लम हो जभी दे सकते हैं, जनरल टॉनिक के भी तौर पे आप दे सकते हैं, जिससे बीमारी आगे हो ही ना। इसमें 36 जड़ी बूटी डली है, 36 तरह की बीमारी को ठीक करता है। मैं चाहूँगा इस प्रोडक्ट के लिए जोरदार उसके बाद है ओबियोडॉक। ओबियोडॉक का नाम सुनते ही मेरे तरफ मत देखिएगा। ओबियोडॉक मोटापा कम करने के लिए है। मोटा व्यक्ति जो होता है उसका एक तो पाचन क्रिया में दिक्कत होती है, पाचन क्रिया को ये दुरुस्त करता है। और मोटापा भी कई तरह के होते हैं, आजकल तो एक थायराइड जो है, थायराइड के वजह से भी मोटापा होता है ना, नरवाइन में दिक्कत होती है जिसके वजह से भी मोटापा होता है, नसों में ब्लॉकेज के वजह से भी मोटापा होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है जिसके वजह से भी होता है, कई सारे कारण होते हैं, है ना। लेकिन जिसको चर्बी बढ़ी हुई है यानी फैट बढ़ा हुआ है, उसके लिए है ओबियोडॉक। लेकिन इस ओबियोडॉक का सेवन करने पे कुछ चीज़ है जो आपको वर्जित है, अगर आप उस चीज़ का सेवन नहीं करेंगे तो मोटापा चला जाएगा। पहला है मीठा, अगर ओबियोडॉक का सेवन कर रहे हैं, मीठा का सेवन करेंगे तो मोटापा कम नहीं होगा। और डाइट को फॉलो करना होगा, जितना खाना आप पहले खा रहे थे उतना ही खाना खाएंगे, अगर खाना बढ़ा देंगे तो मोटापा और बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद का गया हुआ मोटापा वापस नहीं आता है, क्योंकि भाग दौड़ की हमारी भाग दौड़ की इतनी भाग दौड़ हो रही है
जो मैं खुद ही इसका सेवन नहीं कर पाता, और मुझे ऐसे ऐसे जगह पे जैसे अभी आया भोपाल, ना खाने का ठीक होता है ना ही कोई चीज़ का ठीक होता है, जिसके वजह से मैं अभी सेवन नहीं कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सेवन किया, अभी तो देख के लग रहा होगा मोटा 125 kg मेरा वेट था, और मोटा व्यक्ति कई सारे उपाय कराते हैं नहीं होता, यहाँ तक कि इवन जीना चढ़ने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन आज मुझे दौड़ा लो दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मोटापा जो है ना एक तरह की बीमारी है, और 100 बीमारी का जड़ है मोटापा। जो मोटा व्यक्ति है उसके लिए है ओवलोडो। उसके बाद है थंडर ब्लास्ट।